आसपास जाते, चावल खोकर के शाम को लौटते, वहां पर प्रतिभूतियों से राधा इत्यादि की से बस आंखों के द्वारा मिलन हो जाता। आकर के 500 रुपए गैयों को पानी पिलाते, अपने स्नान करते, वो दोहन करते और कुछ समय के बाद में आप कहते हैं अब दूर आए, अभी नौवीं आने वाली है, आज अष्टमी है, आज नौवीं तो वो पास्टमी कल था, आज ही मना रहे, आज ही मना रहे, आज ही वो पास कल नौवीं होगा, इसको अक्षय नौवीं कहते हैं। लोग मथुरा गुरु गोविंद और वृंदा इनकी माला जैसी परिक्रमा करें, ऋषि नवमी को अक्रूर नंदगांव में आए और कृष्ण बलदेव को समझा बुझा कर चर्चा किया, देवकी और वसुदेव पर बड़े अत्याचार हो गए, उनको विश्वास था और जानते थे कि ये स्वयं भगवान कृष्ण है, इसलिए उस समय में 9-10 वर्ष के बच्चे से कहा, जानते थे कि जाकर के मार डालेगा, इसलिए बहुत कुछ उनको कहा, छाती पर पत्थर और पैर से मारता है और रोज उनको धमकाता है। कृष्ण और बलदेव को आ गया जो चलना है और गए उसे मारे, मथुरा जो गए कहा करते जो मैं कल 500 लौट आऊंगा और 500 नहीं लौट, जिस समय आ रहे थे गोपियां के घोड़ों को बागडोर पकड़ ली, सब चार तरफ में करोड़ों करोड़ों गोपियां गिर गई, सत्याग्रह कर दिया, जाने का रास्ता नहीं है, अक्रूर को रथ पर कृष्ण बलदाव को बैठा करके ले जाना, कृष्ण रथ से उतर करके और उनको समझाया, मैं कल परसों जरूर आ जाऊंगा, मेरी बात पर विश्वास रखो, मैं आऊंगा। उस समय वहां गई और उनके दिया में कैसी दशा हुई आप लोगों ने सुना है, मैया यशोदा नाम ठंडी हो गई, नंद बाबा कहीं वो ब्रज में अपना मुख नहीं देखा था और उसी का वर्णन भ्रमर जी की क्या भ्रमर जी की बात बहुत कारण कहते, इसलिए मिलन का भी स्थान है, पहले मिलन का वर्णन हुआ है और पीछे हीरा का, वही हीरा का स्थान उद्धव के आगे है, धर्म किया गया और जब कृष्ण को चार करते कदम बटे में कदम के ऊंचे जाकर बीच बंसी बजाते, श्यामी कमली धौली काली की पद्मगंधा और रात के समय में बंसी में अस्फुट स्वर से लिंग शब्द का उच्चारण करते, इससे सभी गोपियां अपने को समझती हैं, मुझे बुला रहे हैं, सब वहां पर ये सब लीलाएं संक्षेप में नंदगांव में आप लोग क्लांत हैं, इसलिए अब आरती होगी और आरती के बाद में विश्राम कीजिए, कल फूल विश्राम है, कभी कथा विश्राम, परसों वर्षा में क्या है।
Also today, some other more than found
Somebody lost his hand. Whoever lost his hand. Tomorrow at 9:30 there will be a meeting in room number 201, and the meeting will be for the board members of the Bhakti Society. These are Shripad Bhaktivedanta Madhav Maharaj, Shripad Bhaktivedanta Tirtha Maharaj, Shripad Bhaktivedanta Bodh Maharaj, Shripad Premananda Prabhu, Srimati Shyamarani Devi Vasi, Shripad Pujari Prabhu, Gopinath Prabhu, Shripad Radhakanta Prabhu, Shripad Yasodhananda Prabhu, please. 9:30 tomorrow morning. She is not a member of our board, but it is not a space. But you are welcome, Bhagavad Prabhu. In room 201, we'll have a meeting. Srila Gurudev Ki!